I'm not going to do that.
Yeah.
बहुत गरूर है उन्हें चिराग होने का, बहुत गरूर है उन्हें चिराग होने का। हमारा नाम हवा है, उषा देंगे। उषा राम जी गोदर हमारे बीच पहुंच चुके हैं, अपने दिलों की धड़कने थाम ले। और जो अपने बुजुर्ग साथी हैं, आज एक लाइन बढ़ाओ रास्ता। ज्यादा शेयर करें सभी भाई, दो मिनट का काम है, रुक जाओ, दो दो मिनट का काम है। बोला बगैर बस की मनाए ना।
हूँ, कृपया शांति से थोड़ा बैठ जाइए, पीछे भी हमारे नौजवान साथी खड़े हैं ताकि सब आराम से सुन ले। जन जन का चेता छत्तीस सोमपा नेता तुषाराम गजाला आप लोगों के बीच में है। आपको बता दो कि आज के दिन जो हालात बन रहे हैं देश और प्रदेश के, तुषाराम जी गोदाम एक किसान का बेटा है जो भारतीय जनता पार्टी 5 साल में देखो धर्म और जाति बिरादरी की राजनीति कर रही है और तुषाराम जी नाराणे खाते है। अरे योगी आदित्यनाथ ने लेके आया, अरे यहाँ हर घर में वो नौजवान तुषाराम के साथ है। तुषाराम जी ने पार्टी टिकट काटी लेकिन रतनगढ़ की 36 और एससी ओबीसी का लोग से मिलके 19 तारीख ने चिन्ह जनता दिए वो बल्ले को चुनाव चिन्ह 14 नंबर पर इसका चुनाव चिन्ह है। ये चिन्ह किसी नेता ने नहीं दिया, इस रतनगढ़ की 36 ने दिया है भाई लोग। पूरी जनता ने फैसला किया है और पूरी जनता आज गांव में भी आ हालत आज तक रतनगढ़ का इतिहास गवाह है कि इतनी बड़ी मीटिंग अतः बड़े जोर से आ गए रतनगढ़ में कोई मंत्री की भी कोई। दो मशीन आएंगी बारे, एक मशीन में तो दो चिन्ह है, एक मशीन में 15 चिन्ह, 14 नंबर पर आपका नाम है, नीचे तो 3 नंबर है, ऊपर 14 नंबर। हर घर में अपनी बहन बेटी ने सने समझाओगे कि अपन वोट अठे लगावे, वोट आपने के बहुत है, चुनाव जीतेंगे तो कम से कम 30 या 40 जान से जीतेंगे। और 7 दिसंबर हर नौजवान को उत्साह को दिन है, एक एक वोट पोलिंग बूथ पर लेके जानो, आपनो काम है, वोट आपने बहुत है लेकिन आपस होता आप जीत गया कई बार झगड़ हो जा, अपन वोट भी बेटी में खाना है, गिनती चूर की कॉलेज में उसी और तुषाराम जी जब बाहर निकलेंगे तो माइनोरिटी के वहां फुल मिलेगा।
मान सम्मान करे करिए। मैं दिल की गहराइयों आपको सलाम करता हूँ, जिंदगी भर आप एहसान नहीं भूलेंगे। अब समय हो चुका है अगली मीटिंग का, ज्यादा नहीं करते हुए मैं भूसाराम जी गोदारा से निवेदन करता हूँ कि आपके सबके दिल के प्रति भूसाराम जी आपको संबोधन देंगे। चौक में 5 और 6 नंबर की चुनावी सभा हमारे सगे पधारोड़ा पंचायत समिति का प्रधान सम्माननीय गिरधारी भांगड़वा जी, उप प्रधान सम्माननीय जगल्ला जी मेघवाल जी, तमाम मेरे सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता वार्ड नंबर 506 के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, मातृशक्ति, देखो 7 तारीख में विधानसभा को चुनाव होने जा रहे हैं। आप सब लोग युवा, नौजवान, मातृशक्ति सब मिलकर के रिटायरमेंट के भविष्य का फैसला करने जा रहे हो। मैं बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहूँ कि मैंने पिछला चुनाव आपके बीच में लड़ा और पूरी ताकत के सागे खेलोगा तो मदद करी करी पूरी ताकत के सागे अपन चुनाव लड़े हो। मैं तुम एक वादो करो कि भाई अगर चुनाव जीता चाहे हारा ईमानदार नीति से 5 साल थारे बीचे रहूं और दुख सुख में खाली भागीदारी ला कर सू, जब भी थार पर कोई बात आती तो मैं सब पहले पूरे 5 साल में मैंने पंचायती राज चुनाव कराए, नगर पालिका चुनाव कराए और पूरी कांग्रेस का संचालन, तमाम रैलियां और तमाम प्रदर्शन मैंने और मेरे साथी ने आप लोगों ने किया। जब जब भी किसी कौम पर संकट आया, आपको मालूम है किसान जब सड़क पर आए, बिजली और पानी का संकट खड़ा हुआ, बहुत दल का संकट खड़ा हुआ, उनकी फसल कोटी के भाव खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए, तब हम सड़कों पर गए और यूनियन से मिलकर के हमने पूरी ताकत से इस भारतीय जनता पार्टी की आप सरकार का डटके मुकाबला किया और इन्होंने उसके बाद में दलितों की रैली हुई, पूरी ताकत के साथ 15-20 हजार लोग अपने कानून की रक्षा के लिए अठे रैली करी और भी रैली में कुछ इशारा बदलू है जगह डांग लेकर घंटाघर में खड़ा हुआ कि अगर बाजार बंद करावा तो मैं करावा, रैली निकाला तो मैं निकाला, दलित वर्ग रैली निकालना कौन हुआ, मुस्लिम भाई रैली निकालना कौन हुआ, ये किसका अधिकार है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन और अपनी शक्ति प्रदर्शित करके किसी सरकार को झुकाते हैं तो उनको रोक नहीं सकता। हम बीच में थे और हमने गण के सामने आह्वान किया कि शेड्यूल कास्ट लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, इस दलित वर्ग के साथ है, मंगल वर्ग के साथ हम है, ताकि वो असामाजिक तत्व कहीं पीछे नहीं और ताकत के साथ प्रदर्शन हुआ और वो लोग जब एक छोटा सा बच्चे ने एक पोस्टर उतार लिया उनकी नींद खराब नहीं थी, सांप्रदायिक शक्तियां यहाँ पैदा हुई और उन्होंने अपनी जान निकालने के लिए बाजार बंद कराया और पूरे रतनगढ़ को जलजला पैदा करने की कोशिश की। वही लोग आज आपके सामने हैं और हमने कहा नहीं, अन्याय नहीं किया, ये बच्चों की गलती हो सकती है, इसको सांप्रदायिक रंग मत दो, रतनगढ़ शांति प्रिय गाँव है, शांति प्रिय शहर है, ताकि वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करे, उनको दबड़ा पड़ा। इस प्रकार से मेरी बात सुन लो, रतनगढ़ को जो माहौल है वो बिगड़ गया तो ठीक नहीं है, हमने कहा उसके बाद वो साइलेंट हुए। जब जब भी इस भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने नोटबंदी करी, आपको पानी निकालो बैंकों के सामने राजू पटेरिया श्याम लोग की ऑफिसा खोली, इन्होंने इतनी बड़ी महंगाई बढ़ी जिसके कारण से लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया,
पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया और गैस बढ़ गया, आम आदमी का जीना खराब हो गया और जीएसटी लागू कर छोटे व्यापारियों ने और किसान ने और गरीब तबके ने इन्होंने उनका शोषण किया और सारे लोग इनकी 36 कौम के लोगों के साथ जितनी भी हमारी योजनाएं ब्लॉक किया, इसका भी हमने विरोध किया। जहाँ भी रैलियां हुई, प्रदर्शन हुआ, कार्यक्रम हमने किए। कांग्रेस हमारी है, आपकी है। राजनीतिक मुझे 3 दिन पहले कहा गया कि आपका टिकट तय है। आज मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग मेरे सामने वाले 3 आदमी चुनाव लड़े, क्या कभी इन्होंने किसी के पक्ष में सड़कों पर किसी के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आए? मैं चैलेंज करता हूं कि 5 साल में इन्होंने जनता को मुंह दिखाया है कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो वोट चाहे किसी को दे दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चुनाव चिन्ह राजनीतिक षड्यंत्र को शिकार है, राजनीतिक दबाव और बेईमानी के कारण आपने टिकट काटी। तो टिकट देखो, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में खून में मैंने राजनीति कांग्रेस से शुरू की। गलत फहमी पैदा करने की जरूरत नहीं है। आज भी कांग्रेसी है और 7 तारीख को बल्ले के निशान पर आप मत और समर्थन करोगे, आपकी विजय होगी। तो कांग्रेस आपकी जोड़ी में है, जोड़ी में मैं जिंदगी में अगर कांग्रेस में रहूं, कांग्रेस ही रहें। आप तो गलत फिल्मी खाते को बोली, लोग ये करें कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर राजस्थान से यहाँ से खत्म करना है, वो लोग कई कांग्रेस को मार देते, वो लोग बीएसपी गए उसको बैन देते हैं। आज वो बीजेपी जाकर जो बात लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये पूछो कि तुम जिंदगी में कभी बीजेपी में रहे क्या? आज पता नहीं वो मोदी जी को और ये वसुंधरा जी को क्या कहेंगे। वो जाने जो उम्मीदवार पेड़ जिसकी नहीं है उसके ऊपर आधे किलो वजन नहीं कर सकता। वोट तो बहुत बड़ी चीज है, उनका खुद का ही भरोसा नहीं है, वोट देने वालों का भरोसा ही क्या है। कांग्रेस हुआ है जो बीजेपी को हराएगा, कांग्रेस हुआ है जो कुशासन को खत्म करेगा, बाकी कोई कांग्रेस नहीं है। चुनाव चिन्ह है, देखो ऊपर वाले मजाक समझते हैं विधानसभा को, इसको एक इस प्रकार काम कोई करे। दादी और पोती वाली बात है कि बनेगा कोई खा के फेराई मत कर माने दो। जब उम्मीदवार भाइयों बैठे हुए भाईना शिवाय उन्होंने मंदिर में ताली बजाने के अलावा कोई काम कर गए हो या कोई जानो कांग्रेस के नाव और बीजेपी के नाव राज कर लिया और मुफ्त में मिल गया ताकि खाओ कोई मतलब बदले, क्योंकि 15 दिनों राज मिले जब वो 5 साल क्यों जूती फाड़े, क्यों उसमें शामिल हुए, क्यों थारे पीछे आवे, ये तो खेल तमाशा है, बॉन्डर है, कोई दुख नहीं है। इतना हजूम उड़ रहा है गाँव और शहर में जिसका कोई मुकाबला नहीं, आप देख लेना इनकी क्या हालत होती है। इसलिए कोई किसी प्रकार की गलत फहमी मानने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है, बीजेपी को हराना है। और मैंने फिर करने वाली बात कही, बोले भाईडा मैं मेरी बार बड़े बने क्योंकि मैं तो कर्तू तोड़ ली 5 साल में और अगर जसकी ना तो जगह बहन भेजे बीरो पट जी रतो प्राप्त करे अब तो सके यहाँ। लेकिन मैं माइनोरिटी भाइयों का बहुत बड़ा एहसान मंद है, ऐसे भाइयों को बहुत एहसान मंद है। आप लोगों ने मुझे कहा जगह नहीं बची है, 5 साल से बीजेपी से त्रस्त है, अपना मिलर तू नहीं लड़े जरा बैठा को तो छुटवारो बोली हुए, तू कांग्रेस है मैं कांग्रेस है, तू खड़े हो जा ना मैं लड़ा जब वादों के लिए मारूं तू थे इतने ही वादों थे सब उनके लिए थाने ये धन्यवाद दूं कि सब उनके लिए मेरे द्वार पर आर ताकर लगाना थे वो कि चुनाव लड़ तू ही है और तू लड़ती मैं तारे सगा मेरे दो काम के एससी का लोग जिनको मैं बड़ा एहसान मानू कि अगर 2 अप्रैल की रैली को एहसान मान तमाम इतने बड़ा फैसला कर और गए तू चुनाव लड़। ग्रामीण क्षेत्र के तमाम 36 कौम के लोग किसान वर्ग पूरी ताकत के साथ आए और 18-19 तारीख को सबसे दोस्त और खेलों का की हो कि चुनाव लड़ना है करने की जरूरत नहीं। 20,000 लोग करोड़ भाई 20,000 लोग
कार्यकर्ता तमाम इकट्ठा गया और आपने कहा चुनाव लड़ो, तब मैं आपके आशीर्वाद से आपके आदेश से चुनाव मैदान में आया हूँ। आपने कहा कि आज मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ और आपसे साफ बात कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में मेरे पास 99.99% कांग्रेस मारे सके हैं, भागे सके हैं और 30% और 35% दूसरे दला का लोग भागे सके वो है। कांग्रेस 7 तारीख नहीं की है, असली कांग्रेस आखिरी नवाब है, वाटा में ग्राम है, दरिया मतीना चिन्ह से कुछ नहीं होता है। इंदिरा जी ने भी चिन्ह आपको मालूम है कि इंदिरा जी ने भी कांग्रेस में अन्याय हुई और उसको सामने करके भी कांग्रेस तोड़ कोई बड़े देखिए देश और प्रदेश में और इंडिया में उसका नाम कहीं हुआ। देखो किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो, चाहे कोई पार्टी अन्याय करे, चाहे कोई व्यक्ति अन्याय करे, कोई समुदाय के साथ कोई अन्याय करे, जिनको अपना विरोध नहीं करा और लकीर का फकीर उठ चला तो देखो जिंदगी में लकीर का फकीर रहा, जीवन बेकार है। संघर्ष कर दिखाना चाहिए कि ऊपर से भेजे हुए व्यक्तियों को हमारा एक कमान कहा था कि कोई ऊपर से आएगा तो मैं तार काट दूंगा, लेकिन बदमाशी नीचे लेवल पर हुई और उनका नतीजा ये है कि तार मुझे मालूम है कहाँ क्राफ्ट होगी। आपने 25,000 लोगों ने 19 तारीख को जगह चुनाव जीत दिए है, बैठा पाई तो कांग्रेस है और मैं हूँ और हाथ को बदमाशी चोरी हुई है और चोरी प्रारंभ करे वो पचोवे बनावे चोरी प्रारंभ हुई माला गयो अन्याय करना जेल से ले गयो। जब थेसर में बैठा हो मेरा पल्ले को निशान है कोई भी लेकिन मेरे पटानी बात कही कि जोश है जलून है गांव में के यहाँ भी बैंकर आप चुनाव जीतने में कोई आपको सजे नहीं है, दिल और आत्मा आम आदमी आवाम कहती है वो अल्लाह और अकबर कहता है, भगवान कहता है, ईश्वर कहता है, जिसका दिल काम करता है, जिसका उत्साह है वो विजय हासिल करेंगे और रतन विधानसभा की जनता 7 तारीख में ऐतिहासिक फैसलो करने जा रही है। आप देखो ऐसा रिजल्ट आएगा ताकि किसी की रतनगढ़ विधानसभा की जनता को किसी भी प्रकार का कोई आदमी सामने नहीं दे पाएगा, कोई पार्टी की फरमाना जारी नहीं कर सकेगा। क्या बैठा रतनगढ़ की जनता ने पूछो कि हमें बताओ कि टिकट किन जा और अन्याय करे और अन्याय को जवाब मिले जब वो जिंदगी जाके को नहीं आज अन्याय फिर सकोगे कल खा सको फिर आगे सकोगे और लोग एक बार अन्याय को फसो फैल करके धरने सामना करके बैठा थे माए बाप हो इसलिए सब लोग मिल और 7 तारीख में पल्ले के निशान पर भाइयों माताओं बहनों को सब घर को पूरी बात समझानी है और ताकत के सारे वोट घटिए वोट है कोई भी चीज को नहीं जरूरत नहीं जो 25,000 जनता ने कार्यकर्ताओं ने तमाम लोग शामिल है इस पल्ले को आप निशान समझे आपका निशान है आपका चुनाव है मैं आपका हूँ मेरे साथी आपके हैं और मैं आपका आप मेरे हो और ये वादा करता हूँ कि राजस्थान के विधानसभा में और रतनगढ़ का राज बदल दो, ताकत बदल दो, ताज बदल दो, भैया सभी साइलेंट है और एक बढ़िया सा नारा लगा है भूषण राम जी के लिए हमें प्रधान भूषण राम जी को 5 मिनट का सम्मेलन में 5
भूसा राम है उसे रोजा देंगे। ¡Chao, chao!